अगेन वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है जोके क्रेलीस। और आज फिर हम आ गए हैं सीरीज़ का शुरुआत करने के लिए। और सीरीज़ का नाम क्या है आपको तो पता है, सीरीज़ का नाम है जायका गलियों का। तो आज हम हैं बापूजी नगर की गलियों में और कर रहे हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड रिव्यू। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अपना पसंदीदा फेवरेट और बहुत दिनों से मेरा फेवरेट रह चुका दुकान का रिव्यू। तो फाइनली मेरे ही चैनल में आने वाला है और वो जगह है चिली का फास्ट फूड। तो चलिए, ये स्टॉल बहुत पुराना है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का पसंदीदा है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर और पूरा दिखाती हूँ कैसे बनता है क्या है। और बिना खाए मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ का चिकन पकौड़ा द बेस्ट है। फिर भी हम आपको चिकन पकौड़ा भी दिखाएंगे और क्या क्या मिलता है सब कुछ दिखाएंगे, साथ ही कुछ कस्टमर रिव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहे एंड तक और अभी चलिए अंदर देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे और क्यों ये मेरा फेवरेट है और सभी का फेवरेट है। लेट्स गो। चिकन पकोड़ा, लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप, चिकन विंग्स, एग पकोड़ा, लिवर पकोड़ा, फिश पकोड़ा, हमारा कॉर्न पकोड़ा। बाप रे बाप, माने इतने गुड़े पकोड़ा सब एठी मिल जाए, माने कुछ कोई भी पकोड़ा आपको जरूरत हो यहाँ पे आप आ जाइए, सारे पकोड़े यहाँ पे मिलते हैं। किंतु फेमस कोड़ा, फेमस तो हमारा चिकन पकोड़ा, चिकन पकोड़ा, चिकन पकोड़ा फेमस। ओके, तो सेटा ट्राई करबो ना। आ गया। अच्छा, तले चिल्ली आउ चिल्ली का काई के लिखा है जी कोठी पे? चिल्ली का तो एठी लिखा है, तू हमरो चिल्ली का माछ चंगुड़ी एठी सब पकड़ा है कि मिल जाए। अच्छा, चिल्ली का इसलिए क्योंकि चिल्ली का से जो फिश आता है यहां पे वो भी फ्राई करके मिलता है, तो मतलब उसका भी प्राइस आपको मिल जाएगा। तो फिश फ्राइज, चिकन फ्राइज सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा, इनफैक्ट लिवर फ्राइज भी है, तो जो भी है आप खा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सब। दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ कस्टमर मिले हैं खाते हुए, तो आप लोगों को पता है कि मैं कस्टमर रिव्यू लूंगी, आपको मैंने बता दिया था। तो भैया से मिलिए। भैया नमस्ते, भैया आपका नाम क्या है? सूरज कुमार बेहरा। सूरज कुमार बेहरा, सूरज भैया। तो सूरज भैया आप कितने दिनों से इस दुकान पे खा रहे हैं? 2016 से खा रहे हैं। तो भैया 2016 से खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं? पकोड़ा, नॉर्मल पकोड़ा। तो आपको कौन सा? चिकन पकोड़ा। तो बहुत सारे पकोड़े रखे हैं इन्होंने, पर चिकन पकोड़ा। ओके, तो कैसा लगता है चिकन पकोड़ा? बहुत टेस्टी है। अच्छा, मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि आज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, भुवनेश्वर आ रहे हो उनसे यहाँ पर आना ही चाहिए। ओके, तो भैया बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर अगर आ रहे हैं तो यहाँ आना ही चाहिए। तो सोचिए कितना मतलब भैया का पसंदीदा जगह है ये। थैंक यू भैया। तो नेक्स्ट कस्टमर से भी हम पूछ लेते हैं, एक से तो काम नहीं बनता है ना। तो भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार नायक। सुशील कुमार नायक। तो भैया, सुशील भैया बताइए क्या खा रहे हैं? अभी चिकन पकौड़ा खा रहा हूँ। चिकन पकौड़ा खा रहे हैं। तो यहाँ का आपको क्या अच्छा लगता है? बहुत सारे पकौड़ा है, मतलब चिल्ली का फास्ट फूड पूरा लिखा है, ये खास पकौड़ा के लिए फेमस है। ओके, ठीक है। अभी नहीं, यहाँ पे 8-10 साल से खा रहे हैं, जब से ठेला गाड़ी से दे रहे थे तब से खा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इतना कितना साल हो जाएगा ये? 10 साल हो जाएगा सर। 10 साल हो जाएगा। ओके, तो सर का एक्सपीरियंस 10 ईयर का है, तो सर बताइए कि क्यों खास, इतना खास लगता है आपको यहाँ का चिकन पकौड़ा? क्योंकि ये मतलब देसी है, टेस्टी है, अच्छा है, इसलिए खा रहे हैं। अच्छा लगता है, तो लोगों को बोलेंगे कि यहाँ आकर खाएं? जी जी जी, जब जब अभी भुवनेश्वर आना है तो यहाँ पर आकर थोड़ा खाइए चिकन पकौड़ा, प्योर खाएं ना। ओके, तो दोस्तों आपने सुना कि दोनों भैया ने कहा कि जरूर भुवनेश्वर आए, और अगर आप भुवनेश्वर आ रहे हैं या फिर भुवनेश्वर में रुक रहे हैं तो यहाँ आकर जरूर खाना चाहिए। तो चलिए, रिव्यू तो हो गया, अब हम खुद खाते हैं और आपको दिखाते हैं खाना कैसा है।
बाबू भाई आसे भाई बाबू भाई केते वर्ष दुकान एटा 12 वर्ष 12 वर्ष दुकान त कोन कोन दोछन आपण चिकन पकड़ा होची चिकन लेग पीस होची चिकन लॉलीपॉप होची चिकन विंग्स होची चिकन कबाब होची चिकन हरियाली होची रन होची सब किछी माने चिल्ली करो भी चिकन रो भी चिल्ली करो माछ चिंगुड़ी किंतु चिकन तो चिकन सब किन फेवरेट अच्छा प्राइस केमती कोन अछि प्राइस चिकन बॉड 160 फुल 120 तो लॉलीपॉप फुल 140 हाफ 70 विंग्स हाफ 100 मच्छर कौन कौन अछि माछर आज तो गोटे वेरायट चूना माछ ओनली चूना माछ चूना माछ प्राइस टा केमती हाफ 50 अछि हाफ 50 अछि तो माने अपन चूना माछ हाफ 50 आ जो बडो चुंगडी अछि सेटा जोडा हमर अछि सेटा दीटा को 100 हाफ को दीपी साइड दीटा को 100 बाकी हमर जोडा चिकन पकोड़ा जोडा की बेसी फेमस सेटा होछि हाफ 60 हाफ 60 हम खाने वाले हैं वो है चिकन पकोड़ा जो इन यहां का फेवरेट है सभी लोगों का फेवरेट है तो मेरा भी फेवरेट है तो वो है प्राइस 60 रुपीस का तो धन्यवाद तो दोस्तों आ गया चिली का फास्ट फूड का फेमस चिकन पकोड़ा और ये है मेरे हाथों में यहाँ का फेमस चिकन पकोड़ा। तो चलिए आप पहले खाने से पहले मैं आपको गिन करके बता देती हूँ ये जो है मेरा हाफ प्लेट है और ये 60 रुपीज़ का आया और 60 रुपीज़ में कितने पीस दे रहे हैं ये पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 पीसेस हैं मेरे इस हाथ में हाफ प्लेट का 9 पीसेस आ गया है। इन्होंने मुझे दो सॉस दिए हैं यानी कि एक चिली सॉस था और एक टमाटो का सॉस था तो अब खाते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये मेरे लिए थम्स अप वाला है पर आपको दिखाने के लिए और ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों क्योंकि इसमें गार्लिक का इस्तेमाल किया गया है ये देखिए फ्राइड में गार्लिक मिलता है आपको चिकन पकोड़ा के साथ तो ये इसको स्पेशल बनाता है। काफ़ी कुरकुरे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही कुरकुरे बहुत ही लजीज यानी कि बहुत ही स्वाद है इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हूँ बहुत बार खा चुकी हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वन ऑफ द बेस्ट ऑफ चिकन पकोड़ा पूरे भुवनेश्वर का। तो अगर आप आ रहे हैं भुवनेश्वर या भुवनेश्वर में हैं और चिकन पकौड़ा खाने का मन है तो यहाँ ज़रूर आएँ ये मेरे लिए हाईली रिकमेंड रहा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में टिल देन टेक केयर बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।